रिश्ता क्या कहलाता है भैया, ये रिश्ता प्यार कहलाता है, तभी तो हर दूसरे मोड़ पर इनकी मुलाकात हो ही जाती है। अब आरोही की शादी का फंक्शन है और जाहिर सी बात है कि हमारे अक्षरा अभिमन्यु भी आए हैं, यानी कि मिल चुके हैं। और इस शादी के फंक्शन में जो अभिमन्यु है वो पूरी कोशिश करेंगे कि दोनों परिवार भी मिल जाए और इनके बीच के मतभेद जो है वो रफा दफा हो जाए। अक्षरा और अभिमन्यु क्या अब अपने बीच के सारे फासलों को मिटा देंगे? अब अभिमन्यु ने अक्षरा की ओर एक कदम आगे बढ़ाया है तो अक्षरा भी अब अभिमन्यु का हाथ जरूर थामेगी। आरोही की शादी जल्द ही होने वाली है। शादी से पहले के फंक्शन शुरू हो गए हैं, जिसमें फिलहाल अभी के लिए तो दोनों परिवार बहुत ही एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। अब ये भी लगता है समझ गए हैं कि बच्चों की खुशी में ही बड़ों को खुशी मिलती है। और इन दिनों अभिमन्यु और अक्षरा के रिश्ते में जो खटास आई है उसमें कहीं न कहीं घर वाले भी जिम्मेदार हैं। इसीलिए अब ना जो भी फंक्शन होंगे वो एकदम अच्छी तरीके से होने चाहिए, बिना किसी ड्रामे के। मनीष और मिस्टर बिरला जब आमने सामने आए तब शायद अभिमन्यु ये कोशिश कर रहा है के अब तो कुछ मत करो, अब ये शादी इस सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में होने वाली है। इस सीरियल की शादी इस सबसे ज्यादा फेमस होती है तो भाई हम तो बहुत एक्साइटेड हैं नील और आरोही की शादी देखने के लिए। और हाँ, इस शादी से टीआरपी भी तो बढ़ेगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।